वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चों, तो अब हमारा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हम करने जा रहे हैं वो है मैथ्स। क्या है? मैथ्स। एंड आवर टुडेज टॉपिक इन मैथ्स इज एडिशन। रीड विद मी, एडिशन। एडिशन, 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 एडिशन। एंड दिस इज एडिशन साइन। ये जो प्लस, ये क्रॉस का साइन होता है, इसको हम बोलते हैं प्लस। क्या बोलते हैं? प्लस। और आपको पता है एडिशन मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन? एडिशन करना। क्या बोलते हैं? प्लस करना या एडिशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्लस करना या एडिशन करना, जब मेरे पास एक चीज होती है और उसमें हम एक और डाल देते हैं। ठीक है, जैसे हियर वी हैव टू रेजर्स इन माय हैंड। लुक एट माय हैंड, हियर आई हैव टू रेजर्स इन माय हैंड। हाउ मेनी रेजर्स आर दीस? इसको कहते हैं प्लस करना। क्या कहते हैं? प्लस करना। दैट्स वेरी गुड। तो आप लोगों को समझ आ गई है एडिशन कैसे करना है? एडिशन को ओके अब मैं आपको बताऊंगी। टी मींस टेंस, टी मींस टेंस। यू मींस यूनिट्स, यू मींस यूनिट्स। ये होते हैं टेंस और यूनिट्स। जब हम सिंगल डिजिट को लेके चलते हैं, ये अब हमारे पास जस्ट यूनिट्स हैं। हम यूनिट्स में, जैसे अगर ऊपर ऊपर क्या लिखा है बच्चों? टू। टू क्या लिखा है? टू। टू, आप रीड विद मी, टू प्लस टू। टू इसका मतलब है कि हम टू में टू को ऐड करेंगे। तो चूंकि अब आप प्रेप क्लास में हैं, तो मैं आप लोगों को ये सिंपल मेथड सिखाऊंगी कि अगर हमारे पास टू लिखा हुआ है तो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। लाइंस के साथ हम प्लस करना सीखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है बच्चों? क्या लिखा है मुझे बताएं? टू। तो हम टू लाइन लगाएंगे। वन टू, काउंट विद मी, वन टू। अब इसके टू के नीचे एक और टू लिखा हुआ है। टू के नीचे क्या लिखा है? तो अब हम इसकी भी लाइन लगा लेंगे, मतलब टू लाइन हम इसकी भी लगा लेंगे। अब हम इन सारी लाइन को ऑल टूगेदर काउंट करेंगे, इकट्ठा काउंट करेंगे। काउंट विद मी, काउंट विद मी, वन टू थ्री फोर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? फोर। फोर विल बी द आंसर। दैट्स वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ। ओके, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसके साथ है जीरो। जब जीरो वाले डिजिट्स जो है प्लस करते हैं तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है, बिकॉज रीड जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। आप मेरे साथ रीड करें, जीरो इज नथिंग। 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 तो हम लोग कैसे उसको फिर ऐड करते हैं? जीरो की कोई लाइन बनेगी? नो लाइन। हाँ जी, अब देखिए, अगर हमारे पास एक डिजिट है वो है थ्री। क्या है? थ्री। और थ्री के नीचे जो दूसरा डिजिट है वो है जीरो। अगर हमारे पास कोई भी डिजिट के साथ जीरो हो तो हमारा आंसर हमेशा डिजिट होगा। यहाँ पे थ्री होता, फोर होता, फाइव सिक्स, कोई भी डिजिट होता वो वाला हमारा आंसर होता। जीरो को हमने कुछ भी नहीं करना। तो हमने जीरो वाले क्वेश्चन को सोल्व करे बगैर इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि बगैर उसको देखना है, और जस्ट हमने डिजिट जो है वो आंसर में राइट कर देना है। तो टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। That's very good. Okay, clapping for yourself.